हम इसे निकाल भी देते हैं कि किस प्रकार से रहेगा, तो कुछ इस प्रकार का हमें कार्ड मिलता है। बाकी आप स्कैन करके जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें हमारा IDFC वेलकम किट मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं जो हमारा सेविंग अकाउंट का वेलकम किट था। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो हमें वेलकम किट मिला है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, क्या डेबिट कार्ड, चेकबुक और इसके अंदर जो क्यों बैंक की पासबुक देखने को मिलती है और क्या क्या सारे डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी IDFC फर्स्ट बैंक पर अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे ओपन करेंगे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरी डिटेल बता रखी है कैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे, वीडियो KYC कैसे करेंगे। और साथ साथ में हम जानने वाले हैं जो हमें ये रिसीव हुआ कितने दिन में ये रिसीव हुआ। तो रिसीव की बात कर लेते, ये हमें 7 दिन के अंदर ही रिसीव हो चुका था, तो हमें मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ ये देखने को मिली कि ना तो इसमें कहीं जो ब्रांच है वो देखने को मिला कि आप कौन सी ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, इसमें उन्होंने ऑटोमेटिकली कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास में उस डिस्ट्रिक्ट की हमें यहाँ पर ब्रांच पे दे दिया, तो ये मुझे इसका थोड़ा डाउनफॉल लगा। बाकी ठीक है, आप जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, काफ़ी इसके जो वीडियो KYC होती है वो काफ़ी सिंपल एंड साधारण सा, आपसे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं पूछी जाती है। तो अभी जो हमारा वेलकम किट तो हमें मिल चुका है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है वो भी हम देखें। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि इसमें मेरी डिटेल थी तो वो मुझे छुपाना ज़रूरी था। तो चलिए कुछ इस प्रकार का आप देखेंगे, उसके बाद में यहाँ से हम इसके अंदर से निकालेंगे तो बस और कुछ नहीं है, दो ही देखने को मिला है, जो एक तो है हमारा इसमें डेबिट कार्ड मिला हमें और एक मिला है हमारी चेकबुक। जो चेकबुक है वो 10 पेज की है, बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की हमें चेकबुक देखने को मिलती है और जो डेबिट कार्ड है वो कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चेकबुक में इतना कुछ खास नहीं है, 10 पेज की हैं, आप और भी मंगवा सकते हैं। बाकी जो आप कार्ड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इसमें आप कार्ड वगैरह जो कार्ड है या कार्ड भी आप देख सकते हैं, जो कि हमें IDFC फर्स्ट जो प्लेटिनम कार्ड है वो देखने को यहाँ पर मिला है। तो चलिए कुछ इस प्रकार का एक कार्ड है, और बाकी जो कार्ड है हमारा एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव रहता है, इसे आप डायरेक्ट जो IDFC फर्स्ट बैंक का जो ऐप होता है उससे आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती है, आप इस कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिए, बाकी ठीक है। तो चलिए हम इसे निकाल भी देते हैं कि किस प्रकार से रहेगा, तो कुछ इस प्रकार का हमें कार्ड मिलता है। बाकी आप स्कैन करके जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन नाउ टू रेफर भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप भी ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप ध्यान रखिए, देखिए डिस्क्रिप्शन और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसे अप्लाई कीजिए, अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आपका कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके बात कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।